कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया है और सिंधिया के ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में मानवता के हनन की जमकर आवाज ज्योतिरादित्य सिंधिया उठा रहे हैं। इंदौर में बीते दिनों डॉक्टर्स के साथ जिस भी तरह की बदसलूकी हुई उस पर सिंधिया ने दुख जाहिर किया, साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है, जो लोग मानवता और समाज की बखिया उधेड़ रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिंधिया ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, इंदौर में कोरोना की जांच के लिए गए डॉक्टरों के दल पर पथराव की खबर दुखद एवं निंदनीय है। हमारे देश और प्रदेश के सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार से दूर रहकर नागरिकों की देखभाल और सेवा में लगे हैं। उनके साथ इस तरह की घटना सहने लायक नहीं है। सिंधिया ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं, वो साथ ही आगे लिखते हैं, सीएम से मेरा अनुरोध है कि मानव सेवा के कार्य में लगे सभी डॉक्टर्स तथा अन्य सहयोगियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ ही समाज और मानवता से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चिन्हित करके एक्शन लिया जाए। अब इन सबके बीच जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन में आते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, ये सिर्फ एक ट्वीट है, ये कड़ी चेतावनी है। मानवाधिकार सिर्फ मानवों के लिए है। इसके बाद तुरंत एमपी पुलिस हरकत में आई, वीडियो फुटेज के जरिए लोगों की पहचान की गई, सभी को गिरफ्तार किया गया। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, जो लोग जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा में लगे हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह का उपद्रव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को कठोर सजा दिलाई जाए। एसपीएन 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।